नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय दीवान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बात उन दिनों की है, आज से 17 साल पहले जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, जब मैं मार्केट में गया, लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा ये नहीं चलता, दो नहीं बनते, कंपनियां भाग जाती हैं, पैसे डूब जाते हैं। दोस्तों, मैं डर गया, मैंने काम करना बंद कर दिया। मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया कि संजय धीमान, तेरी जिंदगी है, फैसले तेरे होने चाहिए। चार लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, वो तेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान ही तुझे शिखर तक लेके जाएगी। अरे, मरने के बाद लिखे जाते हैं चंद लोगों के इतिहास में नाम, तेरी हस्ती जीते जी का नया इतिहास बनाएगी। याद रख संजय दीवान, गिरे हुए मकान की लोग ईंटें तक उठा के ले जाते हैं। जुए में जिस समय युधिष्ठिर अपनी हिम्मत हार गया था ना, शकुनी और दुर्योधन जो सम्राट युधिष्ठिर कह के बुलाते थे, वो तू तड़ाक में आ गए। हिम्मत रख, हिम्मते मर्दा मत दे खुदा, दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठा करते हैं यार, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है। दोस्त, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई कि एक शक्तिशाली राजा ने अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया। पड़ोसी राजा कमजोर था, उसके पास इतना बड़ा सैन्य बल नहीं था, ना ही उसके पास इतने अच्छे हथियार थे, ना ही युद्ध लड़ने की सामग्री थी। राजा डर गया, उसने अपने जब सेनापति को ये बात बताई तो सेनापति डरपोक निकला, उसने युद्ध करने से मना कर दिया। राजा दुविधा में पड़ गया, उसने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा जब मैं मुसीबत में आता हूं तो शहर के बाहर एक फकीर रहते हैं, मैं उनसे सलाह लेता हूं। राजा और मंत्री फकीर के पास पहुंच गए। राजा ने जब सारी घटना फकीर को बताई और कहा कि मेरा सेनापति भी हार मान चुका है, वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, फकीर हंसने लगा और फकीर ने कहा राजन, छोड़ सेनापति को, सेना मुझे दे दे। राजा हैरान हो गया, वो सोचने लगा कि हम तो ये उम्मीद लेके आए थे कि हमें कोई ये सलाह देगा, कोई तरकीब बताएगा, ये तो सेना मांग रहा है। पर राजा के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। राजा ने सेना उस फकीर को सौंप दी। फकीर सेना लेके निकला, आगे आगे फकीर गीत गाते हुए जा रहा है, पीछे पीछे सेना डरी हुई सहमी हुई। फकीर ने सेना की तरफ देखा, फकीर ने सोचा यार ऐसे डरे हुए लोगों के साथ, ऐसे सहमे हुए, पहले ही हार मान चुके हुए लोगों के दम पे तो मैं ये जंग नहीं जीत सकता। फकीर उनको एक मंदिर में ले गया और कहता है देखो, युद्ध के मैदान में जाने से पहले हम देवता से पूछते हैं कि हमारी जीत होगी कि हार। फकीर ने प्रार्थना की, कहा हे देवता, मैं ये सिक्का उछालता हूँ, अगर मेरी हार होनी होगी तो ये सिक्का उल्टा गिरे, अगर हमारी जीत निश्चित है तो ये सिक्का सीधा गिरे। सिक्का उछाला गया, दोस्त सिक्का सीधा गिरा। उसी समय फकीर ने अपनी सेना के अंदर जोश भरा कि अब हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि देवता भी हमारे साथ है और हम जीतेंगे, अब इस जंग का अंत हमारी जीत के साथ ही होगा, वी विल विन दिस बैटल। सेना में जोश आ गया, फकीर सेना को लेकर युद्ध के मैदान में गया। 3 दिन तक युद्ध चला और फकीर की अगुवाई में सेना की जीत हुई। जब सेना वापिस अपने राज्य की तरफ वापिस आ रही थी तो सेना ने कहा फकीर जी चलो देवता का शुक्रिया अदा कर देते हैं। फकीर हंसने लगा, उसने जेब से सिक्का निकाला, बोला शुक्रिया ही अदा करना है तो मेरे इस सिक्के का कीजिए जो हमेशा सीधा गिरता है। सेना हैरान हो गई, जब उन्होंने सिक्का देखा तो दोनों तरफ से सिक्का एक ही जैसा था। दोस्त, मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया कि संजय धीमान, हिम्मत के दम पे तुम बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। कहते अगर आप सब कुछ हार चुके हैं, आपको लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत अगर बरकरार है
तो उसके दम पे वापिस सब कुछ हासिल किया जा सकता है, क्योंकि हिम्मत सब गुणों का स्वामी है। कहते हैं कि अगर शेरों का नेतृत्व भेड़ करे तो वो शेर युद्ध के मैदान में भेड़ों की मौत मरेंगे, लेकिन अगर भेड़ों का नेतृत्व एक शेर करे तो वो भेड़ें भी युद्ध के मैदान में शेरों की तरह लड़ेंगी। हिम्मत होनी चाहिए यार, हिम्मत के दम पे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दोस्त, मेरी अपने ने मुझे हिम्मत बंधाई, मेरे अंदर जोश भरा, विश्वास जगाया, और उसके बाद ये कदम आज तक नहीं रुके। मैं थैंक्स करता हूँ मेरी अपलाइन का। मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया कि संजय धीमान, अगर एक फकीर जिसने कभी कोई जंग ही नहीं लड़ी, हिम्मत के दम पे एक सिक्का उछाला उसने और सेना में जान फूंक दी और मुट्ठी भर सेना से बहुत बड़े सैन्य बल को हरा के जीत हासिल की, अगर तू अपने अंदर हिम्मत रखता है ना, अगर तू अपने आप को मोटिवेट रख सकता है ना, तो एक दिन जीत अवश्य तेरी होगी। तेरी जिंदगी का सिक्का भी एक दिन उछलेगा, बस तू इसी विश्वास के साथ आगे बढ़। कहते हैं ना रुक तू ना झुक तू, ना रुक तू ना झुक तू, बस अपनी धुन में गाए जा, सफलता तेरी कदम चूमेगी, बस प्लान पे प्लान दिखाए जा। दोस्त, उसके बाद से लेके अब तक हम पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि युद्ध में कागजी अपराध से क्या होता है, युद्ध में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं मेरे यार, तद हद से क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, मेरा ये मैसेज आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा, जवाब जरूर दीजिएगा। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।